वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा SMD का नोजल्स होता है, इनका कितना इम्पोर्टेंस है जब हम कोई भी CPU या छोटा IC या कोई पेस्टेड IC रिमूव करते हैं, तो ये कैसे नोजल्स हमारी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और इनसे हीट एंड एयर कैसे अप एंड डाउन वेरी होता है, तो इसका हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मुझसे हैंड स्किल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरा प्ले स्टोर पर ऐप है मोबाइल गुरुजी के नाम से, उस पर ये पहला एक कोर्स है CPU मास्टर, यानी जो नॉर्मल काम कर लेते हैं, सिर्फ उनको CPU में प्रॉब्लम है, CPU लगा लेते हैं, सक्सेस नहीं होता, सक्सेस रेट अच्छा है, टाइम ज़्यादा लगता है, वो उनके लिए ये कोर्स है जिसमें मैंने CPU डिटेल से बताया। और जो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, यानी जिनको हैंड स्किल में छोटी ICs में भी प्रॉब्लम है, उनके लिए एक छोटा सा कोर्स है हैंड स्किल के नाम से। और जिनका हैंड स्किल अच्छा है, CPU लगा लेते हैं, सब चीज़ ओके है, बट सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये मेरा लाइव क्लास रहता है। रोज़ रात को 9:30 बजे लाइव क्लास रहता है और 30 to 45 days का ये कोर्स है। इसके बाद आपको कभी किसी से फॉल्ट फाइंडिंग के लिए भी हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सेमेटिक्स रीडिंग और फॉल्ट फाइंडिंग का डिटेल रहता है। अब आते हैं हम नोजल्स पे। नोजल्स हमारे ये चार नॉर्मल हम नोजल यूज़ करते हैं, 4 mm, 6 mm और 8 and 10 mm। अब इन नोजल्स में सबसे ज़्यादा जो नोज़ल आप जो नॉर्मल आपके SMD पे है, ये हमारा 6 mm का नोज़ल ही है। और मैक्सिमम 70% लोग मेरे ख्याल से नोज़ल ज़्यादातर चेंज नहीं करते होंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक से काम कर रहे हैं, बात अलग है। बट मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो नोज़ल एक मीडियम साइज़ का जो लगा हुआ है, अब वही नोज़ल यूज़ करते हैं। जैसे इन नोज़ल्स पे हम नॉर्मल जैसे इस टाइप का जो पावर ICs है या छोटा ICs है, इनको रिमूव करते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर प्रॉपर हीट आता है, इसको हीट देता है। मैं एयर भी आपको बताऊंगा कि SMD में एयर कैसे आता है। तो इस ICs वगैरह के लिए तो ये नोज़ल बिल्कुल परफेक्ट है। आप पावर IC वगैरह भी रिमूव करते हैं तो भी ये ओके है। अगर हम इस साइज़ का नोज़ल यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ इसी IC को हीट देगा, इसके बाजू में कोई पेस्टेड दूसरा IC है तो उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। पर जैसे ही हम बड़ी IC पे शिफ्ट होते हैं, तो इस IC पे अगर शिफ्ट होते हैं, अगर हम यही साइज़ का नोज़ल यूज़ करते हैं, तो ये इस IC को प्रॉपर हीट नहीं कर पाता। अगर आप यहाँ हीट बढ़ा भी देते हो, यानी आप हीट नॉर्मली मान लो आप जैसे क्विक 857 पे बात करूँ 330 पे काम करते हो, और आप इस IC को रिमूव करने के लिए सेम नोज़ल पे अगर 400 भी रिमूव कर लोगे, तो भी ये इस IC पे इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। उसका रीज़न है, जब हम मान लो इसको हीट करते हो तो हीट क्या है, इसके हाफ पोर्शन पे ही रहेगा। आपने हीट किया, आगे के पोर्शन पे स्केलर आपने इंसर्ट किया, जब आप इसको लिफ्ट करोगे उठाओगे, तो IC का जो लास्ट का पोर्शन है नीचे का, इस पोर्शन पे प्रॉपर हीट नहीं जाता। और हीट प्रॉपर नहीं जाता बट आपने स्केलर इंसर्ट करके IC को लिफ्ट कर दिया, तो लास्ट के जो ट्रैक है वो निकल जाते हैं। सही तरीका क्या है, आपका जो SMD है वो स्केलर के साथ साथ पीछे तक चलना चाहिए, यानी जितना आप स्केलर इंसर्ट कर रहे हैं लास्ट तक चलना चाहिए सही में। तो इसको रिमूव करना है तो हमें नोज़ल चाहिए बड़ा, जो सेफ तरीका है। ऐसी बात नहीं है कि आप छोटे से भी रिमूव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आपको बहुत अच्छा हैंड स्किल चाहिए। बट जो परफेक्ट टेक्निक है, टेक्निक में क्या है कि आप नोज़ल यूज़ करेंगे सेफ तरीका IC के साइज़ का। अब जैसे ये बड़ा नोज़ल है, 10 mm का नोज़ल है, दूसरा एयर जो हमारा आता है, एयर कैसे आता है, चक्रवात, जैसे चक्रवात घूमता है राउंड, तो वो हवा क्या रहती है, एक जगह स्टेबल, यानी तेज होती है बट एक जगह पे चक्रवात की तरह राउंड सर्कल में घूमती है। इस तरीके से जो घूमते हुए हवा जो नीचे आती है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करती है। और जब हमारा नोज़ल का साइज़ छोटा हो जाता है, जब हमारा नोज़ल का साइज़ छोटा हो जाता है और एक नोज़ल का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो छोटे नोज़ल में जो हीट है वो बाहर कम आती है और एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम
नोज़ल यूज़ करते हैं, जैसे हम 6 mm और हमारा सॉरी 4 mm 6 mm, इन दोनों की अगर बात करें तो इनमें हीट और एयर जो हमें लगभग बराबर रखते हैं। जैसे क्विक 857 जो लोग मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं उसमें हीट रखते हैं 330, एयर रखते हैं 50, बट जैसे ही हमारा ये बड़े वाला दो नोज़ल आ जाता है तो हीट 10 डिग्री कम और एयर 10 एक्स्ट्रा, यानी एयर 60। तो नोज़ल जब हम बड़ा कर देते हैं तो हीट हमें कम करना चाहिए, एयर का फ्लो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, दोनों का इफ़ेक्ट बराबर हो जाता है। यानी आप अगर छोटी नोज़ल में अगर 330 हीट रखते हैं तो बड़ी नोज़ल में 320 पे भी उतना ही इफ़ेक्ट आएगा जितना 310 पे। तो 10 से 15 डिग्री हीट कम रख के काम भी करेंगे तो परफेक्ट काम होगा जब हम बड़ी नोज़ल यूज़ करेंगे, बट जितना नोज़ल का साइज़ छोटा होता जाएगा एयर उतना कम होता जाएगा और हीट उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव कम हो जाता है। अब हम बात करें जैसे आईफोन का सीपीयू होता है, बड़ा सीपीयू होता है, इस टाइप के सीपीयू पे लोग काम नहीं कर पाते। अब हम नॉर्मल मान लो इस पे अगर यूज़ करते हैं अगर, तो ट्रैक्स डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हम प्रॉपर पूरा बड़े साइज़ का नोज़ल यूज़ करते हैं ताकि सीपीयू के साइड पे पूरे सीपीयू पे हीट रखे, जब हम स्केलर डाल के सीपीयू को रिमूव करें तो कोई भी ट्रैक आजू बाजू का डैमेज नहीं हो। सीपीयू जो लोग लगाते हैं, लगाते टाइम भी वो क्या गलती करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, कुछ लोग सीपीयू लगाते हैं तो चल भी जाता है पर 10 से 15 दिन में वापस आ जाता है, ये सब जो गलतियाँ करते हैं, जो प्ले स्टोर पर मैंने जो अपना ऐप है मेरा मोबाइल गुरुजी जिसमें मैं हैंड स्किल का आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसमें मैंने ये सब चीज़ बिल्कुल इन डिटेल बताया। 1500 रुपये मेरा फ़ीस है सिर्फ सीपीयू मास्टर का, यानी अगर आप एक फ़ोन भी रिपेयर करते हैं तो उससे भी मेरा ये आप निकाल आपका पैसा पूरा हो जाता है। और जितने लोग हैंडीकैप्ड है उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है, जो मेरा खर्च लगता है GST, इसके अलावा उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लगता। तो आप कॉन्टैक्ट